हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी जड्डा में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुष्पा 2 के बारे में। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी वेब सीरीज जिसका सब्सक्रिप्शन आपके पास में नहीं है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का, तो सिर्फ आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आपको वो वेब सीरीज या वो मूवी जो OTT पर आ चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सिर्फ एक लिंक मिल जाएगा 10 से 15 मिनट में आपको, और हर क्वालिटी में आप उस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को 1000 पार करा दो और सब्सक्राइब करो यार, अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। पुष्पा 2 इसलिए खास होने वाली है क्योंकि इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था पुष्पा का। पुष्पा 2 की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 अप्रैल को इस मूवी का टीजर जो है आने वाला है। अल्लू अर्जुन ने एक पोस्ट शेयर किया इंस्टाग्राम पर और उसमें दिखाई दे रहा है कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं और उनका अवतार हमें देखने को मिल जाएगा 8 अप्रैल में। यानी कि बॉलीवुड वाले जिस चीज़ से डर रहे थे, पुष्पा जो है आकर बॉलीवुड में अपनी धाक फिर से जमाने वाला है। बॉलीवुड में सूखा चल रहा था जिस टाइम पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा रिलीज हुई। पुष्पा के रिलीज होने के बाद में वो सूखा उन्होंने ख़त्म कर दिया और ऐसी धमाकेदार बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करके गई कोविड आने के बाद में, जिसे सबकी आंखें खुली रह गई, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों या साउथ वाले हों। पुष्पा जब रिलीज हुई थी तो उसके साथ में नो वे होम आई थी और एक मूवी और रिलीज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्पा ने जो बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ की बाजी मारी थी, उसे देखने के बाद में आप समझ सकते हो कि अल्लू अर्जुन का किस हिसाब का फैन बेस चलता है इंडिया के अंदर। और वही काम वो दोबारा से करने वाले हैं। अभी बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कुछ अच्छी अच्छी मूवी आई, जिसे देखने के बाद में लग रहा था कि साउथ वाले एक साइड से ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन दोबारा से वापसी कर रहे हैं तो बॉलीवुड वाले अभी इसे थरथरा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पर जब ये मूवी आएगी तो सामने किसी की भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का फैन बेस इतना बड़ा है। सिर्फ साउथ इंडस्ट्री नहीं, बॉलीवुड वाले भी उनसे इतना ज़्यादा कांपते हैं और डरते हैं कि बस सबसे मुकाबला हो जाए लेकिन अल्लू अर्जुन के सामने नहीं आना पड़े। वो कहावत तो सुनी होगी ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अल्लू अर्जुन की बिल्कुल वही कहावत उनके ऊपर सूट होती है। जिस तरह का स्टारडम बंदे का है ना, हर कोई उनके सामने थरथराता है और कांपता है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, और ख़ास तौर से इस मूवी का जो टीजर होगा उसे देखने के लिए, क्योंकि जो टीजर आपको देखने को मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मेकर्स की तरफ से इस मूवी को लेकर जो कयास लगाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि ये मूवी पुष्पा जो पहला इसका पार्ट था उससे बहुत लेवल ऊपर जिसका जाने वाला है, क्योंकि उसके जो डायलॉग आपने सुने होंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये सब जो डायलॉग उसमें और भी थे, इससे भी बड़े बड़े डायलॉग आपको नेक्स्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है, मेकर्स जो है इसकी पब्लिसिटी खुद नहीं करना चाहते, पब्लिक के मुंह से खुद कराना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक जिस मूवी की भी पब्लिसिटी कर देती है वो मूवी आसमान छू जाती है। और यही होने वाला है हमारी पुष्पा के साथ में, क्योंकि इस मूवी का जो दीवाना है हर कोई बना बैठा है। अब कितनी ज़्यादा ऑडियंस को ये सेकेंड मूवी पसंद आएगी, ऐसा नहीं है कि पुष्पा जो है ओवर हाइप के चलते बॉलीवुड में या पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी और एक बहुत ज़्यादा 350 करोड़ का उसने कमाई इंडिया के अंदर करके दिखा दी थी। बाकी आपको क्या लगता है या आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। क्या अल्लू अर्जुन बॉलीवुड में फिर से एक बार से कब्जा कर पाएंगे और साउथ इंडस्ट्री साथ में लपेट लेंगे, या फिर पीछे रह जाएंगे, पुष्पा जैसी हाइप नहीं बना पाएगी ये मूवी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलो मत, 1000 पार करा दो, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, करा ही दो एक बार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।